अस्सलाम वालेकुम यम्मी कुकिंग रेसिपीज़ में वेलकम। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज मैं आपको बना सिखाऊंगी मज़ेदार सी शिमला मिर्च आलू की भुजिया। तो चलो मैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर शिमला मिर्च लिए एक अदद, इनको जो है हमने इस तरीके से देखें चॉप कर लिया है। तीन अदद हमने यहाँ पर आलू लिए, इनको हमने इस तरीके से जो है कट कर लिया ऐसे शेप में। आप चाहें तो अपने पसंदीदा शेप में भी इसे कट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने हरा धनिया ले लिया, थोड़ा सा हरा धनिया लिया हमने 1 टीस्पून के बराबर। एक अदर हमने यहाँ पे प्याज ले लिया है, इनको जो है हमने चॉप कर लिया, मीडियम साइज़ की प्याज है। ग्रीन चिलीज है हमारे पास 3 से 4 अदर। यहाँ पे हमने टमाटर ले लिया है एक अदर, इनको भी हमने चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून जीरा है और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, और नमक लेंगे हसब ज़रूरत। तो सबसे पहले हम 1/2 कप इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। तो अब इसके अंदर हम प्याज और हरी मिर्च ऐड कर देंगे, फ्राई कर लेंगे इसे हम। तो ये देखिए हमने इसे 1 मिनट तक जो है फ्राई कर लिया था। अब इसके अंदर हम ज़ीरा ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे इसे। अब इसके अंदर हम शिमला मिर्च और आलू ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर हम किसी भी लाल मिर्च ऐड कर देंगे, इन्हें मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे हसब ज़रूरत, इन्हें मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसे 2 मिनट तक जो है पका लिया था। अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे, इनको मिक्स कर देंगे। अब इसको हम 10 से 15 मिनट तक के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए हमने इसे 10 मिनट तक जो अच्छे तरीके से जो पका लिया था। हमने इसके अंदर जो है अभी 1/2 कप पानी ऐड करा है और इसको अब हम फिर से 10 से 15 मिनट तक जो अच्छे तरीके से जो है पका लेंगे ताकि हमारे आलू जो है वो गल जाएं। तो ये देखिए हमने इसे 10 मिनट तक जो अच्छे तरीके से जो पका लिया था, आलू जो है वो हमारे गल चुके हैं। अब इसके अंदर हम ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे, इन्हें मिक्स कर लेंगे और ये बिल्कुल रेडी है, सब हम निकाल लेंगे। इसको हम गार्निश कर लेंगे हरे धनिए से। तो ये देखिए हमारे मज़ेदार से शिमला मिर्च आलू की भुजिया जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।